बरेली इज्जत नगर रेलवे चिकित्सालय की लापरवाही के चलते रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी की हुई दर्दनाक मौत। एक कर्मचारी सस्पेंड। मामला मंडल चिकित्सालय पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर का है, जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। सिटी सब्जी मंडी एक मीनार मस्जिद के पास रहने वाले मृतक के पुत्र मुस्तफा ने बताया, पिता समीम बेग रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। आज खांसी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते इज्जत नगर रेलवे चिकित्सालय को कॉल करके एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन एम्बुलेंस समय से लगभग 2 घंटे देरी से आई। जबकि मरीज का घर रेलवे चिकित्सालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और तो और मरीज को चिकित्सालय तक ले जाने में काफ़ी देर लगा दी। बड़ी लापरवाही तो एम्बुलेंस में मरीज को ऑक्सीजन न मिलने की सामने आई, जिस कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही। मरीज की अस्पताल पहुंचने तक मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा काटा। हंगामा बढ़ता देख CMS के समस्त डॉक्टरों के स्टाफ ने परिजनों को समझाने का प्रयास करते हुए दिखे। परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे थे। CMS डॉक्टर अरुण खुनुन ने बताया, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन पर्याप्त न होने का मामला सामने आया है, जिसके चलते मुख्य मैटन हरिचरण मीना को लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। यूपी ब्लॉक के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफा है जी। क्या हुआ था, क्या मामला था? मेरे फादर को खांसी आई थी, उनको थोड़ा सा परेशानी हो रही थी ऑक्सीजन लेने में, तो मैंने एम्बुलेंस रेलवे हॉस्पिटल को कॉल किया था 12:58 पे। फिर मैंने उनको कॉल किया 1 बजे, फिर कॉल किया 12:28 पे, फिर मैंने कॉल किया 1:35 पे, फिर 1:38 पे। लेकिन मुझे एम्बुलेंस मिलते मिलते 2:20 पे मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड हुई, जिसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन भी नहीं था, और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से मेरे फादर एक्सपायर हो गए। और मैं चाहता हूँ कि पूरे एक उस बंदे पे नहीं जो एम्बुलेंस कोऑर्डिनेट कर रहा था, बल्कि पूरा हॉस्पिटल जो भी स्टाफ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और हमें प्रशासन पर भरोसा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई। CMS साहब ने स्टाफ को उसको जो एम्बुलेंस CMS साहब ने अभी कुछ नहीं किया है। CMS साहब ने कह रहे हैं कि उनसे जो है मतलब सस्पेंड किया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि उन्होंने सस्पेंड किया। उन्होंने हमें सिर्फ एक छोटा सा लिख कर दे दिया है, आश्वासन दिला दिया है कि वो हमें इंसाफ दिलाएंगे, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो उनके लिए। जो एक मीना मैटन था वो, उससे मैंने कॉल भी किया कि भैया पेशेंट सीरियस है, तो वो बोला मैंने डायरेक्ट ड्राइवर को कॉल कर लो, जिसके ड्राइवर का नंबर हमारे पास होता नहीं है, इमरजेंसी का नंबर था, हमने इमरजेंसी में कॉल किया था, और हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं मिली। एम्बुलेंस में आप अभी भी देख सकते हैं कि इसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं है, घोर लापरवाही जिसे बोलते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर डॉक्टर अरुण खुल्लू। सर क्या पद है सर आपके? CMS हूँ। सर ये कुछ लोग हैं सर जो आरोप लगा रहे हैं सर कि उनके परिजन की डेथ हो गई सर, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं मिलने का, और एम्बुलेंस टाइम से नहीं मिली। एम्बुलेंस तो इन्होंने जब कॉल किया था तो एम्बुलेंस टाइम से गई नहीं, जो भी हुआ है ये करीब कहना है कि ये 2:30 पहुँचे, तब तक इनकी पिताजी की डेथ हो गई थी। जो वहाँ का OPD का इंचार्ज है मैटन, लोग आरोप है कि 12:30 करीब 3-4 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, गलती अगर ऐसा हुआ तो मरीज सीरियस था, तो उसमें क्या नाम ऑक्सीजन भी नहीं थी। ऑक्सीजन तो हमने फिलहाल हमने मैटर से पता लगाया था, हमने अभी हाल ही में भरवाया था, उसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। ऑक्सीजन कैसे खत्म हो गया, क्या लीक हो गया, उस ड्राइवर को बताना चाहिए, वहाँ के इंचार्ज जो OPD के मैटर उसको बताना चाहिए कि ऑक्सीजन क्या, पूरी कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर भी, और उसको अभी तक तुरंत सस्पेंड कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आदमी।